स्टार्ट करना चाहिए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ काले चने। सब्जी वाला आया नहीं था तो यहाँ पर मेरे पास बॉयल रखे हुए थे, मैंने कहा चले आज ही बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं अभी इसकी बुनाई कर रही हूँ। थोड़ी सी चिकन रखी थी बोनलेस, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो इसमें डाल देते हैं पानी, जो बुनाई हो चुकी है। काफ़ी देर से मैं इसको फ्राई कर रही थी, साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। थोड़ा सा पानी और डालते हैं इसमें, पानी निकालते हैं इसमें से। बस इतना काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा शोरबा नहीं रखूँगी मैं इसमें, मैंने वैसे भी गले हुए हैं। बस एक तो बॉयल के बाद बंद करेंगे। यहाँ पर ये देखिए धनिया भी मैंने काट के धो के रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने फ्रूट जो था ये रखा हुआ फ्रिज में काफ़ी दिनों से, शॉपर में था, बच्चे खाते नहीं हैं, मैंने कहा चलें धो के रख देती हूँ, सामने होगा तो फिर खा लेंगे। कभी निकालती हूँ अपने लिए खाने के लिए, बाकी रखते हैं फ्रिज में। और आटा भी गूंथ के रखा हुआ है। और सफाई वगैरह भी देखिए हमारी हो चुकी है, कल पर आई थी अभी गई है वो काम करके। देखिए पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ की लाइट्स ऑफ हैं तो अभी आपको, यहाँ की भी लाइट्स ऑफ हैं देखिए, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल पे आएँ और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मैं आड़ू खाने लगी हूँ। किस किस का पसंद है आड़ू कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जी यहाँ पर ये देखें सालन हमारा रेडी हो चुका है। बस इतना शोरबा मैं इसमें रखूँगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं इसे ट्राई करूँगी क्योंकि फिर वो हमारे पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा ड्राई ना, थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए। अभी मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये होममेड है, मैंने घर पर पीस के रखा हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और धनिया भी जो मैंने कट किया वो डाल देते हैं इसमें। बस दो तीन मिनट के लिए मैं ऐसे रखूँगी दम पे और फिर बस फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ठीक है, इसको करते हैं बंद। बस सब ये है कि बस रोटी बन जाएगी। सालन तो तैयार है, बेटी आई थी उसने भी बिरयानी खाई थी क्योंकि रात को बनाई थी बिरयानी, तो वो रखी थी मैंने उसे वही गर्म करके दी है। और नाश्ते में भी हमने भी बिरयानी थोड़ी सी खा ली थी। बस देखें जमी लग रहा है ना। और कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को काले चने का सालन पसंद है। तो यहाँ पर ये देखें रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं। ठीक है, रोटियाँ भी बन चुकी हैं। किचन को करते हैं क्लीन। ये है कि हाथ के हाथ ही अपना किचन आप साफ करेंगे तो आपको किचन भी साफ लगेगा और किचन में काम करने का आपका दिल भी करेगा। साथ साथ हाथ ही सारी चीज़ें क्लीन कर दें तो सही रहता है। मेरी तो ये आदत है कि साथ साथ ही सब कुछ क्लीन करती हूँ। चले चलिए देखिए, तो यहाँ पर अभी खाना खाने लगी हूँ और जिस जिसको खाना है वो आ सकता है हमारे साथ। और चलें आज छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं भी खा के बताती हूँ आपको कि कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है, तो ज़रूर बनाइएगा। चलो यहाँ पर खाना खाते हैं और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नए व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।